देवास के औद्योगिक थाने की पुलिस ने दो सूदखोर भाइयों को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से 10 से 12 प्रतिशत ब्याज दर पर मजबूर लोगों को रुपए देकर उनको लूट रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के घर पर रखे हुए 30 वाहन जब्त किए हैं। इनमें 28 दोपहिया और दो चार पहिया वाहन शामिल हैं। इनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ितों को खुद SP ने अपने हाथों से उनके वाहनों की चाबी लौटाई है। पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित लोगों को काफी राहत मिली है। देखिए, IA थाना पुलिस ने सूदखोरों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दो लोगों के पास से एक आदमी को कल गिरफ्तार किया था, एक आज हिरासत में लिया है। इन दोनों लोगों के पास से हमने लगभग 30 गाड़ियां जब्त की हैं। ये सूदखोर जो लोग पैसा वापस नहीं लौटा पाते थे उनकी गाड़ियां अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लेते थे। इसके अलावा ये उनकी प्लॉट और उनके मकान पे भी कब्जा करने की नीयत करते थे, तो वो सब जानकारी जुटाई जा रही है। अभी आज हम कड़ी में ये 30 गाड़ियां हमने बरामद करके उन व्यक्तियों को सौंपने का IA थाना पुलिस ने कार्य किया है जिन व्यक्तियों से ये अवैध रूप से उन्होंने हथियार लिया।